आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में मां की पूजा अर्चना के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज हम शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा के भाटिया में स्थित में मां से वाहनी में उनकी अपार लीला को देखने के लिए पहुंचे, जहां हमने देखा कि लाखों श्रद्धालु अन्य प्रदेशों से भी इस मंदिर पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि एक बार मन्नत मांगते हैं, माता आशीर्वाद के रूप में मन्नत पूरी करके देती है। बहुत लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ हम बच्चे मांगने आए और इस बार बच्चे गोदी में लेकर माँ के दरबार पर आए हैं। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे अनेकों किस्से हैं जो भाटिया माँ के दरबार में अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना प्रभाव है देवी का कि सब लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, हर एक प्रकार की सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। ये माँ भटिया शक्तिपीठ बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। जिन लोगों को कुछ मुरादें होती हैं, बहुत से यहाँ लोग आते हैं और अपने मुरादें पूर्ण करके जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, नारियल बांध के चले जाते हैं। जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं वो देवी माता के चारों तरफ दीवार में हाथा दे करके जाते हैं मन्नतें, और भगवती की कृपा से उनकी पूरी भी होती है। बहुत बड़ा आस्था का केंद्र हुआ बना हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बहुत बहुत दूर दूर से लोग यहाँ वो आते हैं शारदीय नवरात्रि में। आज चौथा दिन है, पंचमी से बहुत भारी भीड़ रहती है, अष्टमी नवमी को तो भीड़ संभालना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रहती है और लोग बहुत सहजता से दर्शन करके माँ के और अपनी अर्जी लगा करके यहाँ से जाते हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर के हमारे परिवार में बहुत उत्साह है। ये भटिया माता राजवासी के नाम मजदूरी से आए हैं। नियत 5 किलोमीटर हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और अक्सर आया करते हैं।